Good morning, students. How are you? Fine. Okay. First of all, open your books. Page number 104. Today we will start the chapter number 12. Contaminated water spread diseases. Fifth standard EBS. Okay. Contaminated. माने कि प्रदूषित water. आज आप देख रहे हैं कितने ऐसी families मिलेंगी जहाँ पर हमने RO लगवाए हुए हैं. क्यों लगवाए हुए हैं? सो दैट वी कैन गेट प्योर वाटर, हमको एक अच्छा वाटर मिल सके, क्लीन वाटर मिल सके. ठीक है, तो आज हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? कॉन्टामिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीजेज. जो प्रदूषित पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, वो क्या करता है? बीमारियाँ फैलाता है. तो नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 104. लुक एट, ओके, लेट अस स्टार्ट. ड्यूरिंग द समर वैकेशन, माने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, निकिता अलोंग विथ हर पेरेंट्स, निकिता अपने मम्मी पापा के साथ वेंट टू अ विलेज टू विजिट हर अंकल्स फैमिली. वो एक गांव में गई अपने अंकल की फैमिली से मिलने. समर वैकेशन के दौरान निकिता अपने पेरेंट्स के साथ गांव में अपने अंकल की फैमिली से मिलने गई. She visited a nearby pond in the village. उसने क्या किया? गांव के अंदर पास में एक पॉन्ड था, वहाँ उन्होंने देखा. विजिटेड माने वहाँ उसको देखने गए. She was shocked to see the condition of the pond. वो पॉन्ड की हालत देखकर, कंडीशन माने हालत, दशा देख के एकदम शॉक्ड हो गई. शॉक्ड होना माने एक सदमा सा लगता है ना, एकदम अजीब सा लगता है, अरे ये क्या हो गया. दैट इज द शॉक्ड. हरिया, अ पर्सन फ्रॉम द सेम विलेज, वॉज बॉथिंग हिज बफेलोज इन द पॉन्ड. देखिए, हरिया जो कि उस गांव का एक व्यक्ति था, वॉज बॉथिंग हिज बफेलोज इन द पॉन्ड. वो उस पॉन्ड के अंदर अपनी भैंसों को नहला रहा था. बफेलो माने भैंसों, भैंसे. राधे, अनादर पर्सन ऑफ द सेम विलेज, वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स देयर. और उसी गाँव का दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है राधे, वो अपने कपड़े धो रहा था. मतलब एक आदमी क्या कर रहा है, वो भैंसों को नहला रहा है, दूसरा उसमें कपड़े धो रहा है. निकिता, देखिए आपको दिख रहा है ना, कितने आराम से एक कपड़े धो रहा है, एक भैंस नहला रहा है, जैसे कोई ये भैंसों का बाथरूम बना रखा है इसको. निकिता's कजन सिस्टर, निकिता की जो कजन सिस्टर है, हिना लिविंग इन द विलेज, told her that the villagers use the water of the pond for drinking, cooking and bathing. निकिता की कज़न सिस्टर है हिना, जो कि उस गांव में ही रहती है, उसने क्या बताया? उसने बताया कि जो विलेजर्स है, गांव वाले हैं, वो इस पॉन्ड के पानी को ही पीने के लिए, पकाने के लिए मतलब खाना बनाने के लिए, और बाथिंग माने नहाने के लिए काम में लेते हैं. हिना ऑल्सो टोल्ड निकिता डैट ड्यूरिंग समर सीजन, हिना ने निकिता को बताया कि गर्मी के मौसम के दौरान, व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, द वाटर लेवल ऑफ द पॉन्ड रिड्यूसेस, जो वाटर लेवल है पॉन्ड का, जो पानी का लेवल है, वो कम हो जाता है. द रिमेनिंग वाटर मिक्सेज विथ सॉइल एंड फॉर्म्स मड. और जो बचा हुआ पानी होता है, रिमेनिंग वाटर मिक्सेज विथ सॉइल, बचा हुआ पानी क्या होता है, मिट्टी के साथ में मिल जाता है एंड फॉर्म्स मड. मड माने एक कीचड़ बना देता है. देखिए, बहुत कम मिट्टी है, बहुत कम पानी है और बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो कीचड़ ही बनेगा ना. द विलेजर्स आर बाउंड टू कंज्यूम दिस डर्टी वाटर. बाउंड टू कंज्यूम माने वो बंधे हुए उसी पानी को, क्योंकि उनके पास में कोई चारा ही नहीं है, और पानी नहीं है तो क्या करेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे. तो द विलेजर्स आर बाउंड टू कंज्यूम दिस डर्टी वाटर, और विलेजर्स को वो गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है. While Nikita was visiting Hina's school, she saw a pit behind the school. जब निकिता हिना के स्कूल जा रही थी, उसने एक गड्ढा देखा उस स्कूल के पीछे. निकिता जो उसकी स्कूल, हिना के स्कूल गई, तो वहाँ पर स्कूल देखने गई थी, वहाँ पीछे स्कूल के वहाँ पर उनको क्या दिखा, एक गड्ढा दिखा. It was filled with water, पानी से भरा हुआ था. She also saw some mosquitoes in the stagnant water.
स्टैग्नेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, स्थिर पानी, एक बहता हुआ पानी होता है, जैसे नदी है तो बहती है, और पौंड है, तालाब है, गड्ढा है, जहाँ पर हमारा टैंक है, ये सब क्या है, आपका स्टैग्नेंट वाटर है। तो उस स्टैग्नेंट वाटर में उसने कुछ मच्छरों को देखा। स्टैग्नेंट वाटर इज द स्टैंडिंग वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट और अ कंटेनर। स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है, वो पानी जो कि किसी गड्ढे में या किसी बर्तन में इकट्ठा हुआ हुआ रखता है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। इट गिव्स ए फॉल स्मॉल बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इट। इट गिव्स ए फॉल स्मॉल, एक बदबू सी देता है, गंदी बदबू, फॉल स्मॉल माने गंदी बदबू देता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रिवर वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर इन अ पेट आर, एक नदी का पानी और एक गड्ढे में भरा हुआ पानी, दोनों में बहुत अंतर होता है। नंबर वन, रिवर वाटर ऑलवेज फ्लोज बट स्टैग्नेंट वाटर इज स्टिल एंड डज नॉट फ्लो। जो नदी का पानी होता है वो हमेशा बहता है, लेकिन जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जो स्थिर पानी होता है, इज स्टिल, वो एक जगह रहता है और बहता नहीं है। सेकेंड है, रिवर वाटर नेवर गिव्स फॉल स्मेल। नदी के पानी में कभी भी आपको गंदी बदबू नहीं आती है, बट स्टैग्नेंट वाटर गिव्स फॉल स्मेल। जो लेकिन बहता हुआ जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जो जमा हुआ पानी होता है, एक जगह इकट्ठा करा हुआ जो पानी होता है, वो आपको गंदी बदबू, फॉल स्मेल देता है। मॉस्क्यूटोज डू नॉट ले एग्स इन रिवर वाटर। मच्छर कभी भी नदी के पानी में अंडे नहीं देते हैं। हाउएवर स्टैग्नेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। हालांकि जो स्थिर पानी है, जो इकट्ठा करके रखा हुआ पानी होता है, वो मॉस्किटो के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है, यानी एक हिसाब से दूसरे शब्दों में कहें तो मैटरनिटी हॉस्पिटल का काम करता है, जहाँ बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं, यानी कि मच्छर अपने बहुत सारे बच्चे देता है वहाँ पर। दे ले एग्स इन द स्टैग्नेंट वाटर। अब मच्छर है तो वो अंडे देता है, इसलिए दे ले एग्स इन द स्टैग्नेंट वाटर, वो स्थिर पानी में, रुके हुए पानी में अंडे देते हैं। आगे समझ में, एनी डाउट बेटा जी? अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो ना, तो आप 9 से 12 स्कूल टाइमिंग है, वहाँ पे आ सकते हैं, और कोई भी अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, मॉस्क्यूटोज, अब आते हैं। मॉस्क्यूटोज माने मच्छर। मॉस्क्यूटो आर फ्लाइंग इंसेक्ट दैट बाइट ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड सक देयर ब्लड। जो मॉस्क्यूटोज हैं वो क्या है, आपके उड़ने वाले इंसेक्ट है, और दैट बाइट ह्यूमंस, इंसानों को काटते हैं। अच्छा, कमी पड़ गई तो इंसान आदमियों को भी काटेंगे, जानवरों को भी काटेंगे, एंड सक देयर ब्लड, और पूरा का पूरा खून चूस लेंगे। आ गया, तो मॉस्किटोज क्या है? मॉस्किटोज आर द इंसेक्ट दैट बाइट ह्यूमंस एंड एनिमल, इंसान को काटते हैं, जानवरों को काटते हैं, एंड सक देयर ब्लड, पूरा का पूरा उनका खून सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। इंसेक्ट आर द लार्जेस्ट ग्रुप इन द एनिमल वर्ल्ड। इंसेक्ट जो आता है, वो वाला जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में हमने इंसेक्ट को रखा है, वो सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का वर्ल्ड के अंदर। दे आउट नंबर ऑल द अदर एनिमल्स। दे आउट नंबर ऑल द अदर एनिमल्स माने जितनी और जानवर हैं उन सबसे बढ़ के हैं, वो बहुत ज़्यादा है उनकी नंबरिंग। मॉस्क्यूटोज आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे रॉयल स्कूल में पाए जाते हैं या किसी और जगह ही होते हैं, नहीं, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में मिलेंगे आपको। द बॉडी ऑफ अ मॉस्किटो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक मच्छर की बॉडी होती है ना, उसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। कौन कौन से? हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन। अब हेड मतलब सिर होता है, अब थॉरेक्स और एब्डोमन है ना, उनको वही लैंग्वेज में याद करना, थॉरेक्स और एब्डोमन, ठीक है। ऑन द हेड, हेड के ऊपर, सिर पे, देर आर 2 फिलर्स कॉल्ड एंटीनी एंड अ पेयर ऑफ आईज। क्या होता है, उसके हेड के ऊपर 2 फिलर्स होते हैं, ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं तिनके जैसे, उसको बोलते हैं एंटीनी। एंटीनी क्या बोलते हैं? एंटीनी एंड अ पेयर ऑफ आईज, एक जोड़ी आँखें होती है। हमारे भी 2 एक जोड़ी आँखें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एंटीनी नहीं होते, हमारे सिर पर ऐसे कोई एंटीनी नहीं है। अ लॉन्ग सकिंग ट्यूब जिसे कहते हैं प्रोबोसिस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द हेड। हेड पे एक लंबी सी सक करने वाली ट्यूब होती है, खून चूसते हैं ना हमारा, तो किससे चूसते हैं भाई? प्रोबोसिस होती है वहाँ पे। क्या कहते हैं उसको? प्रोबोसिस।
एंड फीमेल मॉस्किटो यूज देयर प्रोबोसिस टू सक ब्लड, और जो फीमेल मॉस्किटो ये क्या करती है, वो अपने प्रोबोसिस के द्वारा ब्लड चूसती है, खून चूसती है, समझ में आया ना। मेल मॉस्किटोज हैव ऑल्सो हैव प्रोबोसिस बट दे फीड ओनली ऑन नेक्टर एंड वाटर। जो मेल मॉस्किटो है ना बेचारे, उनके पास भी प्रोबोसिस होती है, वो भी चूसते हैं, लेकिन क्या चूसते हैं, दे फीड ओनली ऑन नेक्टर एंड वाटर। नेक्टर माने फूलों का रस, जो फूल होते हैं उस पर खुशबू सी आती है, मकरंद जिसे बोलते हैं, तो उस फूलों का रस यानी कि नेक्टर को लेते हैं और पानी पीते हैं, कम से कम एटलीस्ट वो हम लोगों का खून तो नहीं पीते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मेल मॉस्किटो आर बेटर देन फीमेल मॉस्किटो, है ना। हमको थोड़ी अच्छा लगेगा कोई हमारा खून चूस चूस के चला जाए। मॉस्किटोज हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग, तीन जोड़े पाँव होते हैं, माने कि छः पैर होते हैं, समझ में आया। पेयर माने दो। मॉस्किटोज आर कैरियर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस, मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं बहुत सारी बीमारियों के करियर्स होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उन बीमारियों को ले जाते हैं। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ट्रांसमिट जर्म्स दैट कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया इन ह्यूमन्स। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज होते हैं माने संक्रमित मॉस्किटो, यानी किसी बीमार व्यक्ति को उसने काट लिया, तो वो क्या करते हैं, वो जर्म्स को ट्रांसमिट करते हैं। पहले बीमार को काट लिया तो उसके जर्म्स ले लिया, अब उसको स्वस्थ को काटेगा तो वो जर्म्स को ट्रांसफर कर देगा स्वस्थ व्यक्ति में, हेल्दी व्यक्ति में, और कई सारी बीमारियाँ फैला देते हैं, जैसे मलेरिया हो गई, येलो फीवर, पीला बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी की सारी इंसानों में बीमारियाँ फैला देते हैं। आगे आपको समझ में या नहीं आया, हो गया ना। तो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास। तो वो देखिए आप लोग क्या करेंगे, एक तो पार्ट्स ऑफ ए मॉस्किटो बॉडी, ये आप मॉस्किटो की बॉडी के डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर।